विराट कोहली के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी का आया है बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट की और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार विराट कोहली को टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के अब इसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव का क्या बड़ा बयान आया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ विराट कोहली को भी भारतीय टीम का महान कप्तान मानते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारतीय पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका मानना है कि जब से वे T20 की कप्तानी छोड़नी थी तब से वह दबाव में थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम बल्लेबाज विराट कोहली को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। 63 साल के पूर्व हरफल पावना खिलाड़ी ने मिड डे से बातचीत करते हुए कहा कि मैं विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले का स्वागत करता हूं। T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही वह बुरे दौर से गुजर रहे थे। वह हाल ही में काफी दिनों से तनाव में नजर आ रहे थे। दाएं के पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा कि सुनील गावस्कर भी मेरी कप्तानी में खेले हैं, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेला हूं, मुझे अहंकार नहीं था। विराट कोहली को अहंकार छोड़ना होगा और युवा क्रिकेट के नेतृत्व में खेलना होगा। विराट नए कप्तान और नए खिलाड़ी को गाइड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने भी विराट कोहली के इस फैसले का स्वागत किया है और BCCI से अनुरोध किया है कि विराट कोहली को वह सब सुविधाएं आगे भी उपलब्ध कराई जाएं जिसके वो काबिल हैं। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को एक महान कप्तान बताया है और कहा है कि विराट कोहली के अनुगामी में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इनकी कप्तानी में टीम में बहुत ज्यादा सुधार आया है। दोस्तों उल्लेखनीय है कि 33 साल के भारतीय क्रिकेटर ने शनिवार को टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दिया था। इससे पहले किंग कोहली ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले ही ऐलान किया था कि वह टूर्नामेंट के बाद भारत की T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। इसके बाद भारतीय सिलेक्टर्स ने विराट कोहली को एक दिवसीय टीम की कप्तानी से हटा दिया था और अब उन्होंने टेस्ट की भी कप्तानी छोड़ दी है। तो दोस्तों आज की अपडेट बस इतना ही। आपको यह खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और इस खबर के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।